हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी स्वादिष्ट मिठाई। इसके लिए हमने चीनी ली है और ये 15 से 20 हमने काजू ले लिए हैं। इनको मिक्सी के जार में डालकर अच्छे से बिल्कुल फाइन पाउडर बना लेंगे। ये देखो बिल्कुल फाइन पाउडर बन के तैयार हो गया है। अब हम किसी बाउल में डाल देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद हम इसमें डालेंगे नारियल का पाउडर, ये मैंने हाफ कप के करीब लिया है। उसके बाद मैंने ये मिल्क पाउडर ले लिया है, ये भी मैंने हाफ कप के अकॉर्डिंग लिया है। और सारे बैटर को पहले अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बिल्कुल प्रॉपर अच्छे से मिक्स हो जाने के बाद फिर हम इसमें थोड़ा सा दूध डालेंगे। ये सिर्फ 2-3 चम्मच ही लेंगे, ज़्यादा नहीं लगेगा। और बिल्कुल सावधानी से डालें क्योंकि ज़्यादा डल जाएगा तो बहुत लूज हो जाएगा। और इसका एक सॉफ्ट डो बनाकर तैयार करने, ना ज़्यादा लूज होना चाहिए और ना ज़्यादा टाइट, नहीं तो रोल नहीं बनेंगे, क्योंकि मीडियम होना चाहिए। उसके बाद हम इसको 2 हिस्सों में इक्वल बांट लेंगे और थोड़ा घी लगा के अच्छे से मसल लेंगे तो बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगा। 2-3 बार ऐसे मसलने के बाद फिर इसके 2 भाग कर लेंगे और एक रोल बना लेंगे। रोल बनाने के बाद फिर हम इसको रोल को अलग अलग हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे ताकि हमारे रोल इक्वल उसमें शेप में बने। ये मैंने चाकू की हेल्प से रोल को इक्वल काट लिया है। उसके बाद हम इनको अच्छे से बेल लेंगे, या हाथ की हेल्प से भी हम इसको लंबा लंबा बना लेंगे। और उसके बाद हम ये देखो मैंने अच्छे से बना लिया, आप इसी तरह से बनाइए, ये खाने में बहुत ही टेस्टी बनते हैं। काजू कतली भी के आगे फेल हो जाएंगी। और फिर उसके बाद मैंने इक्वल करने के बाद ये मैंने चांदी का वर्क ले लिया, अगर है तो लगा लीजिए, अगर नहीं है तो स्किप कर दीजिए, कोई बात नहीं, फिर भी यही इनका टेस्ट बहुत ही अच्छा बनेगा। उसके बाद ये मेरे पास था तो मैंने लगा दिया है। और ये भी बड़े सावधानी से लगाए क्योंकि ये बहुत नाजुक सा होता है और ये हवा में या वैसे भी या ये इधर उधर हो जाता है, उसे कागज़ से उतारते ये मेरे साथ हो गया है। आप बड़े आराम से कर कीजिए। ये देखो फिर मैंने इसमें सारा चांदी वर्क लगाने के बाद ये देखो सेफ। अब इसके बाद मैं इसको इक्वल भाग में डिवाइड कर लूँगी, सारे रोल को बराबर बराबर हिस्सों में काट लूँगी। और ये आप जिस शेप में देना चाहे उसी शेप में काट सकते हैं, मैंने लंबे लंबे काटे हैं, आप अपने अकॉर्डिंग काट सकते हैं। गोल गोल पेड़े भी बना सकते हैं आप, इसके लड्डू भी बना सकते हैं, जैसे आपको ठीक लगे ऐसे आप बना लीजिए। ये मैंने लंबी शेप में काटे हैं, ये देखो कितने सुंदर लग रहे हैं। और उसके बाद मैंने ये एक प्लेट में अच्छे से रख लिए हैं। ये देखो खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।